श्रीमन यह अनुभूति ना शासन में है, ना प्रशासन में है, ना सत्तारूढ़ दल में है, ना जनता में है। अब देश का मनोविज्ञान बदल गया है और इस मनोविज्ञान को फिर से बदलने के लिए कदम उठाए बिना संकट काल की स्थिति को जारी रखना ठीक नहीं होगा। क्या इस देश के सामान्य कानून इस स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं? जिनकी ओर संकेत करके गृह मंत्री महोदय अपने वचन से मुकर जाना चाहते हैं, मैं उन्हें वचनबद्ध का दोषी ठहराता हूँ। जिस दिन नई लोकसभा की बैठक आरंभ हुई, पहले ही दिन आकर उन्होंने घोषणा कर दी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति देश के केवल कुछ भाग तक सीमित रहेगी। कुछ सोच समझकर उन्होंने घोषणा की। आज वह जिन संकटों की ओर इशारा कर रहे हैं, वे संकट नए नहीं हैं, वे संकट उस समय भी थे। हाँ, केवल एक ही नया संकट पैदा हो गया है। वह समझते थे कि विरोधी दलों का समर्थन संविधान में संशोधन करने के लिए वह प्राप्त कर लेंगे, लेकिन विरोधी दल उनको अनुग्रहित करने के लिए तैयार नहीं हैं। क्या यह जरूरी है कि हम सरकार की मदद करें? आपको हमें समझाना होगा कि देश में वस्तुतः संकट है और आप उस संकट का निराकरण करने के लिए अधिकार चाहते हैं और किसी बात के लिए नहीं। क्या भारत सरकार विदेशी आक्रमण का प्रतिकार करने के लिए सन्नद्ध हो रही है? क्या हम 1962 में की गई उस पावन प्रतिज्ञा को कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक एक एक इंच भूमि को आक्रामक के चंगुल से मुक्त नहीं कर लेंगे, पूरा करने जा रहे हैं? यदि सरकार उस भूमि को मुक्त कराने के लिए कदम बढ़ाए तो इस संकट काल की स्थिति का समर्थन करने को तैयार हैं। यदि सरकार 1/3 जम्मू कश्मीर को मुक्त करने के लिए आगे बढ़े तो हम इस सरकार को असाधारण अधिकार देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में कुछ करना नहीं, देश के प्रति किए गए संकल्पों पर पानी फेरना चाहती है। और सरकार इसलिए अधिकार चाहती है कि एक आशंका है कि आक्रमण होने वाला है। क्या यह आशंका उस दिन नहीं थी जिस दिन सदन में घोषणा की गई थी कि 1 जुलाई से संकट काल की स्थिति को कुछ क्षेत्रों में सीमित कर दिया जाएगा? वे क्षेत्र कौन से हैं, यह भी स्पष्ट करें। श्रीमान, देश की सीमाओं के भीतर अपने विचार के अनुसार जो भारत का पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, उनके प्रति सरकार के अधिकारों का दुरुपयोग करने की भेदभाव की नीति आज स्पष्ट हो गई। इस विधेयक में कहा गया है कि भारत से अलग होने की बात करेगा तो उस पर इस कानून को आपत्ति होगी, और कोई अगर भारत के किसी भाग को दूसरे को देने की बात करेगा तो यह भी आपत्तिजनक होगा। लेकिन यह सरकार स्वयं भारत के भाग पड़ोसियों को दे रही है और इसके लिए संसद की सलाह लेना भी जरूरी नहीं है। सरकारी अधिकारी मंत्रियों से परामर्श करके या बिना परामर्श किए भारत की भूमि का दान कर सकते हैं, वह इस कानून के अंतर्गत अवैध नहीं होगा। अब कहा जाता है कि भूमि मिलाना अगर सर्वप्रभुता की सीमा के अंतर्गत आता है तो अपनी भूमि किसी को दे देना यह भी सर्वप्रभुता का हिस्सा है। क्या सरकार इसके लिए यह व्यवस्था मानने के लिए भी तैयार नहीं कि ऐसे समझौते, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिनमें भूमि देनी पड़ती है, वह संसद की सहमति के बिना कार्यान्वित नहीं होंगे? लेकिन यह हमारे अधिकारियों और मंत्रियों को छूट देता है देश की सर्वप्रभुता अखंडता के खिलाफ काम करने के लिए। मगर यदि कोई दल ऐसा काम करेगा तो उसे गैर कानूनी घोषित किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कोई दल ऐसे काम करे, लेकिन अगर सत्तारूढ़ दल का कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि जो 1/3 भाग हमारे कश्मीर का पाकिस्तान के पास है, वह पाकिस्तान को देकर हमें समझौता कर लेना चाहिए, तो क्या यह इस विधेयक के अंतर्गत दंड का भागी होगा? मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री महोदय स्थिति स्पष्ट करें। मैं प्रधानमंत्री नेहरू की चर्चा नहीं करता। उन्होंने एक बार सार्वजनिक रूप से यह अवसर दिया था, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने नहीं माना तो उन्होंने वापस ले लिया। लेकिन भविष्य में इस तरह का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।
हम एक तिहाई कश्मीर पाकिस्तान को देकर उस पर से अपना दावा छोड़कर समझौता करने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। क्या यह विधेयक सरकार के हाथ बांधता है? अब मैं आपका ध्यान एक और बात पर दिलाना चाहती हूँ। पूर्वनी को मान्यता देते हमें परेशानी होती है, इसलिए कि शायद पश्चिमी जर्मनी को बुरा लगी, लेकिन पश्चिमी जर्मनी ने तो अपनी रक्षा का भार दूसरों पर छोड़ दिया है। उसने अपनी पूरी शक्ति इस बात पर लगा दी कि अधिक से अधिक उत्पादन किया जाए।